तुम्हारे गम को अपना गम बना लूं तो करारे, तुम्हारा दर्द सीने में छुपा लूं तो करारे। नमस्कार, मैं हूं मयूर और इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा रियाज के बारे में। मैं बात करूंगा कि रियाज में क्यों अक्सर आप बोर होने लगते हैं और कैसे आप अपने रियाज को इंटरेस्टिंग बनाएं, कैसे रियाज में आपका मन लगाएं। मेरे म्यूजिकल यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। म्यूजिक से जुड़ा अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है या इसी तरह का कोई टॉपिक है आपके मन में जिस पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं अपने आने वाले वीडियोस के माध्यम से जल्दी आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। अक्सर ये सवाल लोग मुझसे पूछते हैं, बहुत सारे रीज़न के एकाग्र नहीं हो पाते हैं, मन नहीं लगता है, या रियाज में वो रुचि नहीं रह गई है, रियाज बोरिंग लगता है। अलग-अलग तरीके से लोगों ने इसी सवाल को मेरे सामने रखा है, तो आइए इस पर बात करते हैं। आजकल जैसा कि हम सब इन्फॉर्मेशन से घिरे हुए, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, यानी कि ओवरलोडेड है, उससे भी हमारी एकाग्रता पर जो काफ़ी फर्क पड़ा है, ये स्मार्टफोन के जरिए या अलग अलग चीज़ें आप देख रहे हैं, जिससे कि हम हमेशा कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहते हैं, तो उससे एकाग्रता में कमी ज़रूर आई है, मुझे ऐसा लगता है। दूसरा, जो नॉलेज है वो आप बहुत सारी नॉलेज का सोर्स आपको मिल गया है, आप बहुत सारी चीज़ें समझते जा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल आप उसको नहीं कर पाते हैं, उतना समय प्रैक्टिकल में आप नहीं दे पाते, क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन आप जो है ले रहे हैं, अगर आपको इम्प्रूव करना है तो उसे आपको अप्लाई भी करना पड़ेगा, और प्रैक्टिकल जब तक नहीं करेंगे तो उसमें जो निखार आ सकता है वो निखार से आप रूबरू नहीं हो पाएंगे। निखार जो है, जो क्वालिटी है, उसका एहसास आपको तभी होगा जब आप उसमें पूरी तरह जो है इन्वॉल्व हो जाएंगे। और भी कई चीज़ें हैं जिनसे आप जो है रियाज से बोर होने लगते हैं। मैंने अक्सर पहले भी जिक्र किया है, आप जब किसी लाइव शोज से लौटते हैं तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा होती है, तो ऐसी और भी कई चीज़ें हैं जो आपको प्रेरित करती हैं रियाज करने के लिए। डिस्कवर करना चीज़ों को, सुनना नए आर्टिस्ट को, तो आपको मन करता है रियाज करने का। और रियाज करते टाइम आपके अंदर कोई हलचल नहीं होनी चाहिए, आप रियाज कर रहे हैं और आप बस यही फोकस करके कर रहे हैं कि मुझे बहुत बड़ा स्टार बनना है, मुझे ऐसे करना है। ये सब समय रियाज का जो होता है ये बहुत ही एकाग्रता के लिए, बहुत जितनी अंदर आपके शांति होगी, जितना धैर्य होगा, रियाज उतना ही बारीकी से आप कर सकते हैं। जब तक आपके अंदर हलचल है तब तक आप अपना जो सुर की एक्यूरेसी है उसकी जो है उतनी अच्छी जो है क्वालिटी की बात नहीं कर सकते। तो आपको जो भी बनना है, जो भी आपकी प्लानिंग है, वो उस समय पे आप जो है अपने से दूर रखें। आपको ऑब्वियसली हम सबका कुछ ना कुछ ख्वाब होता है, हम सबका एक प्लानिंग होती है कि हमें इस डायरेक्शन में जाना है, तो ये आप जब भी समय मिलता है तब इस पर विचार कर सकते हैं, लेकिन जब रियाज कर रहे हैं उसमें जब तक डूबेंगे नहीं, उसमें जब तक खोएंगे नहीं, तब तक आप जो है उसमें परफेक्शन नहीं ला सकते। और एक और चीज़ मैंने नोटिस की है कि जब मैं रियाज के लिए बैठा तो शुरू में बहुत बोरिंग, लेकिन जब मुझे वो थोड़ा कनेक्शन बनने लगता है तो उसमें और मज़ा आने लगता है। मतलब रियाज में बेशक आप बोर हो रहे हैं, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है कि जब आपका खुद का मन करता है कि मैं अभी रियाज को और कंटिन्यू करूं। और होता क्या है कि आपने रियाज शुरू किया, फॉर एग्जाम्पल आपके लिए वो पॉइंट आता है 30 मिनट पर, ठीक, यानी कि आप 30 मिनट बाद आपके अंदर वो फीलिंग आती है रियाज को बहुत ही आध्यात्मिक वे में महसूस करने की। 30 मिनट का वो टाइम होता है जो आपको देना ही देना है, उससे पहले आपको नहीं सोचना है कि रियाज कैसा हो रहा है। अगर आपका वो टाइम 30 मिनट है कि 30 मिनट पे आपको महसूस होने लगेगा, मैं ये इसलिए
30 मिनट की बात कर रहा हूँ, कि मेरा 45 मिनट था। मुझे काफ़ी साल तक मैंने ये महसूस किया कि पहले 45 मिनट मुझे उतना अच्छा रियाज महसूस नहीं होता है, फील नहीं होता है, मतलब आनंद नहीं आता है। लेकिन आफ्टर 45 मिनट मैं फिर उसको कितना भी एक्सटेंड कर लेता हूँ, ऐसा मैंने ये महसूस किया था। तो अगर एग्जांपल के लिए अगर आपका 30 मिनट का टाइम है कि 30 मिनट बाद आप रियाज से कनेक्शन बना पाते हैं, जो आप चीज़ कर रहे हैं उसको इंजॉय कर पाते हैं, उसका आनंद ले पाते हैं, तो वो 30 मिनट बाद आपके साथ होने वाला है। और अगर रोज़ आप रियाज शुरू कर रहे हैं और 5 मिनट पर ही उठ के आपके बोरिंग लग रहा है रियाज, या 10 मिनट पर उठ के, किसी दिन 15 मिनट पर उठ गए, किसी दिन 25 मिनट पर उठ गए, तो आपको हमेशा ही लगेगा कि रियाज में कोई आनंद नहीं है। आपने कभी उस सीमा को पार ही नहीं किया जब आप उसका आनंद ले सकते थे। आप रियाज का आनंद ले सकते थे 35 मिनट के बाद, लेकिन आपने उसे कभी पार ही नहीं किया। जितनी भी किताबी नॉलेज है या जितने भी वीडियोज आप देख लीजिए, जब तक आप अपने ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे, आप खुद की कोई धारणा नहीं बना पाएंगे। आपने कभी किसी दिन 2 घंटे रियाज करके देखा तो आपको पता लगा कि 2 घंटे में क्या हासिल होता है ना। मैं कहता हूँ कि 20 से 25 मिनट आपको मिनिमम करना चाहिए। तो ये कोई ऐसा रूल नहीं है कि यही हो गया, कुछ चीज़ें करके भी देखते हैं ना। कभी आपको 2 घंटे करके देखना चाहिए क्या होता है, देखते हैं, कभी 1 घंटे करके देखना चाहिए। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आप कभी उस पॉइंट तक पहुंचे ही नहीं जब आप खुद ही उसके जो है आनंद में डूब गए हो, और खुद ही आप कह रहे हो वाह मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, अभी और रियाज करूँ मैं, तो वो पॉइंट ही नहीं आपने कभी जो है पार किया, वो जो सीमा है उसको अभी आप कभी पार नहीं कर पाए हैं। तो इसलिए आपको ये देखना है कि कभी समय मिलता है तो उसको इस तरह से भी आप जो है थोड़ा सा लंबा करके रियाज देखें। ये मेरी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने बोला है कि जब आप प्रोग्राम देखने जा रहे हैं, लाइव शो आपने किसी का देखा, तो शाम को मैंने जो खुद महसूस किया वही आपसे शेयर किया है। मुझे इतना एनर्जी उससे मिलता था कि मैं रात को ही आके रियाज पर बैठ जाऊँ और सुबह फिर रियाज करूँ। वही इमेजिनेशन जिस कलाकार को सुना, वही कि उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, उन्होंने ये चीज़ कितनी अच्छी की थी, ये चीज़ कैसे की थी, मैं कब कर सकता हूँ, मैं और रियाज करता हूँ। तो ये चीज़ें आपको प्रेरित करती हैं। जब तक रियाज को कोई दिशा, डायरेक्शन आपने कुछ कहीं से प्रेरणा ली तो आपके माइंड में वो थी, आप रियाज पे बैठ गए और फिर उसमें डूब जाइए। लेकिन जब रियाज कर रहे हैं ना, तब आप जो है बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव ना हो, रियाज पे पूरा फोकस आपका हो। जितना धैर्य और शांति अंदर होगी उतना ही आप उसके करीब होंगे, और जितना करीब होंगे उतना ही आपका मन करेगा रियाज और कंटिन्यू करने के लिए। तो ये चीज़ें जो मैंने बताई ये आप अप्लाई करके ज़रूर देखें। मुझे उम्मीद है कि ज़रूर आप कुछ ना कुछ उसको हासिल ज़रूर कर पाएंगे, और आपको वो चीज़ समझ आएगी कि एक ऐसा पॉइंट भी हो सकता है आपके लिए कि उसके बाद आपका रियाज जो है वो परफेक्शन की तरफ आपको ले जाता है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।